हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड बताने हैं एन बैचेस के एम इवेंट्स के लिए, और हमारे पास उन एन बैचेस का जो टाइम शेड्यूल है वो गिवन होगा। तो कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो एक स्कूल में एन स्टूडेंट ग्रुप्स है और हर दिन स्कूल में एम टाइम स्लॉट्स होते हैं, और एक स्टूडेंट ग्रुप एक टाइम स्लॉट में फ्री हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमें n बाइनरी स्ट्रिंग्स गिवन होगी और हर बाइनरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो m होगी, जो कि हमारे नंबर ऑफ टाइम स्लॉट है एक दिन में स्कूल के। और जो jth पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा हमारी स्ट्रिंग में, ith स्ट्रिंग में, वो ज़ीरो होगा अगर जो ith ग्रुप है वो उस टाइम स्लॉट में फ्री है, और जो jth स्लॉट या पोजीशन पे जो वैल्यू है वो वन होगी अगर जो ith ग्रुप है वो उस टाइम स्लॉट में बिजी है। तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि जो हमें डाटा गिवन होगा टाइम शेड्यूल्स सारे स्टूडेंट ग्रुप का, उसके बेसिस पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड बताना है, ताकि जो सारे ग्रुप है और उनकी क्लासेस एक सिंगल स्टडी डे पे हो पाए। और हमें यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो रूम्स हैं वो एक टाइम पे एक स्टूडेंट ग्रुप को ही होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे सपोज़ आपका इनपुट ये है कि n आपका 2 है यानी दो स्टूडेंट ग्रुप है, m आपका 7 है यानी कि जो टाइम स्लॉट्स है एक दिन में वो 7 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो बाइनरी स्ट्रिंग्स गिवन है क्योंकि दो स्टूडेंट ग्रुप है। तो पहले स्टूडेंट ग्रुप की आप देख सकते हैं बाइनरी स्ट्रिंग 0 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट ग्रुप इस स्लॉट में फ्री है, और 1 का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट ग्रुप है वो इस टाइम स्लॉट में बिजी है। तो यहाँ पे आपको दोनों स्टूडेंट ग्रुप का टाइम स्लॉट जो टाइम शेड्यूल है वो गिवन है। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड है, आपको कितने रिक्वायर्ड है ताकि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनकी सारी क्लासेस हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इनपुट के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट ग्रुप्स है वो अल्टरनेटिवली बिजी है, अल्टरनेटिवली उनकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे पहला ग्रुप फ्री है इस टाइम स्लॉट में और दूसरा ग्रुप को क्लास चाहिए। और यहाँ पे देखिए दूसरे टाइम स्लॉट में पहले ग्रुप को क्लास चाहिए और दूसरा ग्रुप फ्री है। वैसे ही थर्ड स्लॉट में देखिए दूसरा ग्रुप को क्लास चाहिए और पहला ग्रुप फ्री है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज अल्टरनेट है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम जो क्लासेस रिक्वायर्ड होगी वो सिर्फ एक सिंगल क्लास चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट देखिए 1 आ रखा है। वैसे यहाँ पे आप दूसरा इनपुट देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है यानी 3 स्टूडेंट ग्रुप होंगे, और m की वैल्यू यहाँ पे भी 7 है। तो यहाँ पे देखिए 3 बाइनरी स्ट्रिंग्स गिवन है 3 स्टूडेंट ग्रुप को जो टाइम शेड्यूल है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो आप टाइम शेड्यूल देखिए, तो जो टाइम स्लॉट है जिसके अंदर तीनों को क्लासेस चाहिए वो इस वाले टाइम स्लॉट पे है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम स्लॉट में जो तीनों स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उन्हें क्लासेस चाहिए। तो यहाँ पे हम नहीं बच सकते, यहाँ पे हमें तीनों को एक एक रूम अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। बाकी सब केसेस में दो ओवरलैप कर रहे हैं, दो या दो का टाइम स्लॉट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, किसी में एक ही का जो टाइम स्लॉट है वो है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जिस टाइम स्लॉट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट के टाइम शेड्यूल है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे हमें आंसर देना होगा। तो हम इसी चीज़ को, इसी अप्रोच को हम सॉल्व करने के लिए फॉलो करेंगे। हम हर टाइम स्लॉट में देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, हर टाइम स्लॉट के लिए ट्रैक रखेंगे नंबर ऑफ़ वंस का, और जिस टाइम स्लॉट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस होंगे हम वही आउटपुट कर देंगे, वो नंबर ऑफ़ वंस जो होंगे उतने आउटपुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस है किसी भी टाइम स्लॉट में वो 1 है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 1 आ रखा है। और यहाँ पर इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वंस जो टाइम स्लॉट में है वो इस पोजिशन पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 1 हो जा रहे हैं, यहाँ पर तीनों स्टूडेंट ग्रुप्स को क्लास चाहिए, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दो इंटीजर्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, n 2 और m 7, और इसके बाद हम एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करेंगे स्लॉट, जो कि हमारे जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उनके टाइम शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ 1 0 1 0 1, तो
यहाँ पे 7 हो गया इसकी लेंथ। और वैसे ही दूसरे स्टूडेंट ग्रुप का जो शेड्यूल है 0 1 0 1 0 0, तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी 7 हो गई। तो हम अब हमने जो एन और एम और स्लॉट है वो हमारे पास है, तो हम आगे अपने सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लूप करेंगे हर स्टूडेंट ग्रुप के लिए i=0, i<n>, i++, और हर स्टूडेंट ग्रुप के जो शेड्यूल है उसके हर कैरेक्टर को देखेंगे। तो 4 int j=0, j<m>, j++। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इफ़ जो स्लॉट है आयत स्टूडेंट का, उसमें अगर jth पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो 1 है, तो उस केस में हमें इसका ट्रैक रखना है। तो इसका ट्रैक रखने के लिए मैं एक इंटीजर एरे बना लेता हूँ बिजी, और इसका साइज़ सेम दूंगा m के इक्वल, तो यहाँ पर 7 दे दे रहा हूँ, और इनिशियली ये 0 होगा। तो अगर जो jth स्लॉट है ith स्टूडेंट ग्रुप के लिए अगर वहाँ पे 1 है, तो मैं बिजी जो एरे मैंने बनाया है उसमें jth पोजीशन को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्लॉट में कितने वंस हैं, यानी कितने जो टाइम स्लॉट है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इस लूप से बाहर आने के बाद दोबारा लूप करूँगा। इस बार मैं जो मैंने बिजी एरे बनाई है उसको लूप करूँगा, और इसमें मैं चेक करूँगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कौन से टाइम स्लॉट में मिल रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप्स है उनका टाइम स्लॉट कोइंसाइड हो रहा होगा, तो उतने ही हमें जो रूम्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ रूम्स, इसको इनिशियली मैं 0 ले लेता हूँ। उसके बाद इस लूप के अंदर मुझे मैक्सिमम जो है इस बिजी एरे में वो फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूँगा इफ बिजी i इज़ ग्रेटर दैन रूम्स, जिसको कि मैंने इनिशियली 0 ले रखा है, तो मैं रूम्स की वैल्यू जो है वो बिजी i के इक्वल सेट कर दूँगा। तो इस लूप के बाद जो मैक्सिमम है इस बिजी एरे का वो हमारे रूम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यही हमारा रिजल्ट होगा, तो मैं प्रिंट कर दूंगा रूम्स नीडेड रूम्स। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, अब जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे वो ये फाइंड करेगा। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। जे चलिए अभी इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, चलिए अभी इसे रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए रूम नीडेड 1 आ रहा है। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे भी जो टाइम स्लॉट्स हैं वो अल्टरनेट है, यानी कि एक टाइम पे एक स्टूडेंट ग्रुप ही बिजी होगा। तो इसलिए जो हमें मैक्सिमम जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड है वो एक ही रूम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो ये तरीका बताया कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे n स्टूडेंट ग्रुप्स के लिए अगर हमें उनका शेड्यूल गिवन हो। धन्यवाद।